आप सभी ने बचपन से पेड़ पौधों के बारे में सुना होगा। हमको यह भी पता है कि कोई पेड़ बहुत ही लंबा होता है तो कोई बहुत ही छोटा, तो कोई बहुत ही विशाल और घना होता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ भी इस धरती पर मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है और इसके बारे में अनोखी बातें बताने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में मौजूद कॉस्ट रेडवुड नामक पेड़ है, जो कई सालों से जीवित खड़ा है और दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित पेड़ है। इसकी ऊंचाई 115 मीटर यानी कि 380 फीट के करीब है। यह पेड़ विश्व के 7 अजूबों में शामिल कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा है। इसके अलावा दूसरे स्थान से कंपेयर करें तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और अमेरिका के सांसद भवन से भी वो ऊंचा है। कोस्ट वुड रेड पेड़ की खोज सन 2006 में हुई थी। पूरी दुनिया में यह पेड़ सबसे ज्यादा लकड़ी देता है। यह पेड़ रेडवुड प्रजाति का पेड़ है और इस प्रजाति के सभी पेड़ 300 फुट से अधिक ऊंचाई वाले ही होते हैं। कोस्ट रेडवुड पेड़ फिलहाल 600 साल के आसपास है और यदि इस पेड़ को काटा नहीं जाएगा तो यह अभी भी 600 से 1000 साल तक जीवित रह सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोस्ट रेडवुड पेड़ और भी ज्यादा ऊंचा हो सकता था, लेकिन इसके ऊपरी हिस्से पर हुदहुद पक्षी यानी कि कठफोड़वा द्वारा नुकसान की वजह से यह अब ज्यादा ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता है। यह पेड़ को तट रेडवुड, तटीय रेडवुड और कैलिफोर्नियन रेडवुड जैसे नामों से भी जाना जाता है। कोस्ट रेडवुड पेड़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों और समुद्री तट पर ही उगते हैं, जहां पर बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि इस पेड़ को बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा पानी और नमी चाहिए और साथ ही विशाल मात्रा में जमीन। दुनिया में सबसे ज्यादा रेडवुड की प्रजाति डेल नॉर्थ रेडवुड नेशनल पार्क और हम्बलट रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में है। रेडवुड पेड़ की प्रजाति 10,000 साल पहले यानी कि हिम युग में उत्पन्न हुई थी। हालांकि इस पेड़ के कई सारे अवशेष एशिया और यूरोप में कई जगह पर पाए गए थे, जिस पर से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह पेड़ की प्रजाति करीब 50 लाख साल पहले प्रीहिस्टोरिक काल से आई होगी। जिस जगह पर कोस्ट रेडवुड पेड़ होते हैं, उस जगह पर इस पेड़ की वजह से हर साल कम से कम 100 इंच बारिश ज्यादा होती है। इसका मतलब कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश लाने के लिए यह पेड़ काफी उपयोगी है। इसके अलावा इसके आसपास के जंगल और जगह को यह पेड़ हरी भरी और ठंडी बनाए रखने के लिए भी काफी उपयोगी है। अगर भारत में भी ऐसे पेड़ों की प्रजाति को उगाया जा सके तो हमारे देश में यह पेड़ कई सारी लकड़ी, शुद्ध हवा और ढेर सारा पानी हर साल प्रदान करेगा, जिससे गर्मी में भी काफी कमी आएगी। रेडवुड वन में देवदार, प्रशांत मद्रोन, पश्चिमी हेमलॉक जैसे कई सारे पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे पक्षी और प्राणियों की भी प्रजातियां पाई जाती है। कैलिफोर्निया में इस ऊंचे पेड़ को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि कीटक के हमले से यह पेड़ फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान में आता है। काले भालू और हिरण इसकी पत्तियां और लकड़ियों को खाते हैं। शोध में पता चला है कि सबसे पुराना तट रेडवुड करीब 2200 साल पुराना है और इसकी अन्य प्रजाति के पेड़ भी 600 साल से पुराने हैं। अगर किसी कारण इस पेड़ की श्रृंखलाएं जल जाती है तो यह फिर से नई श्रृंखलाएं उत्पन्न कर सकता है। यह पेड़ 15 साल के बाद अपने बीज से दूसरे पेड़ों का निर्माण करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। कोस्ट रेडवुड पेड़ की लकड़ी लकड़ी उद्योग के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। कैलिफोर्निया में रेडवुड वन कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्षय रोग से मुक्ति दिलाने के लिए यह पेड़ की लकड़ी बहुत ही फायदेमंद होती है। इसी वजह से कैलिफोर्निया में लोग अपने घर के बीम और बर्तनों के लिए भी कोस्ट रेडवुड की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर पेड़ जले हुए जंगल में नहीं उग सकते हैं, पर कोस्ट रेडवुड इससे बिल्कुल उल्टा है। यह पेड़ की प्रजाति जले हुए जंगल को बेहद ही पसंद करती है और तेजी से उग जाती है। कोस्ट रेडवुड की खोज सन 2006 में क्रिस एटकिंस और माइकल टेलर द्वारा गर्मियों की छुट्टी में रेडवुड नेशनल पार्क में की गई थी। इस पेड़ की प्रजाति को दुनिया का सबसे लंबा जीवन जीने वाला जीव माना जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।